छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर महंत राम सुंदर दास जी महाराज अपने अल्प प्रवास में मंगलवार को पामगढ़ पहुंचे, जहां एनएसयूआई विधानसभा पामगढ़ के अध्यक्ष आकाश यादव के निवास पर पहुंचकर आकाश यादव के दादाजी स्वर्गीय ध्वजाराम यादव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यादव समाज को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान महंत जी के साथ उनके सहयोगी एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पामगढ़, उपाध्यक्ष जिला पंचायत सहित अन्य विभागीय अधिकारी व थाना स्टाफ के अधिकारी मौजूद रहे। क्राइम भारत टीवी के लिए जांजगीर चंपा से केशव सोनी की रिपोर्ट। आज हम लोग पामगढ़ में आए हुए हैं और यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक और यादव समाज के प्रमुख ध्वजाराम यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। पिछले दिन उनका शरीर शांत हो गया, तो उस पुण्यात्मा जीव को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और शोकाकुल परिवार से भेंट करके उनको सांत्वना प्रदान करने के लिए आज हम लोग पूरे कांग्रेस जन आकाश यादव जी, देवेंद्र यादव जी के निवास पहुँचे हैं और यादव समाज के प्रमुख ध्वजाराम जी का को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, शोकाकुल परिवार से भेंट किए हैं और हम सभी कांग्रेस जन यही इस समय जहाँ जहाँ भी जो हमारे बीच के लोग बिछुड़ गए हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, स्वर्ग सिधार गए हैं, उनके परिवारजन समेत उनको ढांढस बंधा रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। और ध्वजाराम यादव जी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, भगवान शिवनारायण से गौ माता से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि उनकी जीवात्मा को अपने चरण में, अपने शरण में स्थान दें, इस धराधाम के आवागमन से उस जीवात्मा को पृथक रखें और चिर स्थायी मोक्ष प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करना चाहते हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।